प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। और मैं आज आपको जरूरी सूचना एक देना चाहता हूँ परमेश्वर के भवन के लिए। ये जो जगह है परमेश्वर ने हमें दी है, आज से 2019 में ये हमने जगह रेंट पर ली थी और ये 2022 अभी जुलाई महीने तक हमने ये 3 साल का हमने जिसकी ये लैंड है जमीन उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसका हम रेंट दे रहे हैं और अभी इसका समय पूरा हो गया है। और ये सूचना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले हमारा खुद का भवन तो था पर वो छोटा था, परमेश्वर का काम बढ़ गया इसलिए ये अभी हमें ये जगह रेंट पर लेनी पड़ी। और इसके 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी पूरा हो चुका है और अभी जिनकी ये ज़मीन है हम उन्हें बोल रहे हैं कि हमें 1 साल के लिए और रेंट पर दे दो, पर इस बात को मान नहीं रहे और वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप अगर अपनी लेनी है तो ठीक है, हमें बताओ। तो हमने कुछ पैसे भी ऐसे कलीसिया को हमने सेवा के लिए बोला तो उन्होंने भी कुछ लोगों ने अपना मन खोला, पर ये लैंड ये ज़मीन महंगी है। फिर हमने सोचा कि हम कुछ लोन लेंगे, हमने लोन भी अप्लाई किया पर फिर भी लोन लेकर भी जितने की ये लैंड है ये ज़मीन है अभी भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। और जिनकी ये जगह है अब वो हमें बोल रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है, या तो आप पैसे दे दो तो या फिर अपना कोई इंतज़ाम करो। तो ये काफ़ी आधा किला ये ज़मीन है, ये पूरा भवन है आप देख सकते हो, ये पूरा पीछे तक आधा किला पूरी जगह है और पूरा ये लोहे की पैप्स हमने लगाई है, बड़ा अच्छे से हमने मन से बनाया, ऊपर पूरे पंखों की ये सारी सुविधा है लोगों के लिए बैठने के लिए गर्मी में भी। और वो सामने जनरेटर रूम है और साथ में बाथरूम हमने बनाए हैं बहुत अच्छे। और इस साइड ये स्टेज है, ये काफ़ी बड़ी स्टेज है, छोटी नहीं है। और ऊपर ये पूरा शेड डला हुआ है और इससे पहले हमने तरपाल की बनाई हुई थी छत, तरपाल की, क्योंकि इसी के नीचे हम सारा सामान रखते थे सारा साउंड का। और एक बार बहुत तेज बारिश तूफान आने के कारण वो सारी तरपाल वो सारा नुकसान हो गया, फट गई, दीवार गिर गई, जिसके कारण परमेश्वर ने अब ये शेड हमने बनाया है। और मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब परमेश्वर ने ये जो अभी मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ ऑनलाइन होकर, ये किसी के द्वारा हमें ऐसे मैसेज मिला कि आप एक पोस्ट डालो YouTube पर, जितने भी इस काम के लिए लोग आना चाहते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो सच में परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, जैसे नीति वचन 3:2 में, कि वो परमेश्वर अपना अनुग्रह मनुष्यों के द्वारा भी करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अगर परमेश्वर ने वचन दिया है तो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल भी करेगा अपने काम के लिए। और ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का काम कभी भी मैं जानता हूँ घटता नहीं है, वो बढ़ता है। और हमेशा ही शुरू से लेके आज तक जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, चर्च बढ़ रही हैं, परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल कर चुके हैं इस भवन के काम के लिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इस परमेश्वर के काम के लिए आगे आ सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भवन में आकर अपनी आशीष अपने छुटकारे को लेते हैं और परमेश्वर हमें यूज़ कर रहा है, बढ़ा भी रहा है। पर यही है कि ये थोड़ा सा हालात तो नहीं कहूँगा मैं, हालात आ गया है, क्योंकि परमेश्वर जब भी कुछ ऐसे होता है तो अच्छे के लिए होता है। और ये हमारे लिए मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अच्छा कर चुके हैं और हमें ये जो जगह उसके साथ ब्लेस कर चुके हैं। और परमेश्वर अपने लोगों को आपको भी इस्तेमाल कर चुके हैं और ये खुदा का भवन है।
और परमेश्वर की महिमा इसमें मैं आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं एक लास्ट मैं एक चीज़ आपको बस बताना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें और जितने लोग इस काम के लिए आगे आएं जहाँ जो शेयर करें परमेश्वर ने आशीष दे और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग इस काम के लिए आगे आए और जिनके जिनके भी मन में परमेश्वर तू अपनी सुविच्छा को डाले, इन्हें इस्तेमाल करे परमेश्वर उनके बिजनेस पर, उनके कारोबार पर, उनके हरेक काम हाथों के कामों पर तू आशीष दे, उन्हें बढ़ाए खुदा, उनके घरानों को ब्लेस कर, उनके बिजनेसों को ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि वो तेरी महिमा के लिए, तेरे काम के लिए और यूज़ किए जाएं, इस्तेमाल किए जाएं। निश्चय ही परमेश्वर जितने लोग इस काम के लिए आके आई परमेश्वर तू उन्हें स्वर्ग से बड़ी आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कि परमेश्वर आपको सबको इस मैसेज के द्वारा बड़ी आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।